ईरान ने कर दिया इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान। क्या शुरू होने वाला है वर्ल्ड वॉर 3? क्या टिक पाएगा इसराइल ईरान के सामने? कितनी ताकत है दोनों देशों में? कौन पड़ेगा किस पे भारी? रशिया यूक्रेन के बाद अब शुरू हो चुका है ईरान और इसराइल का युद्ध। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ईरान इसराइल युद्ध की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, इसराइल की जनसंख्या की तरफ नजर डालें तो इसराइल की जनसंख्या है 96 लाख, वहीं ईरान की जनसंख्या है 8.79 करोड़। इसराइल के पास कुल 6 लाख सेना है, वहीं ईरान के पास में लगभग 10 लाख सेना है। अगर एक्टिव मिलिट्री की बात करें तो इसराइल के पास में कुल 1,69,500 एक्टिव मिलिट्री है, वहीं ईरान के कुल 6,10,000 एक्टिव सेना है। पैरामिलिट्री की बात करें तो इसराइल के पास में 8,000 पैरामिलिट्री फोर्स है, वहीं ईरान के पास में 40,000 पैरामिलिट्री फोर्स है। वहीं 1,000 लोगों में से 76 जवान इसराइल में है, वहीं ईरान में 1,000 लोगों पे 12 जवान है। अगर ट्रेंड मिलिट्री फोर्स की बात करें तो इसराइल के पास में कुल 31 लाख जवान ट्रेंड है, वहीं ईरान के पास में 0 ट्रेंड मिलिट्री फोर्स है। इसराइल का रक्षा बजट $20 बिलियन का है, वहीं ईरान का रक्षा बजट $9 बिलियन का है। वहीं टैंक की बात करें तो इसराइल के पास में 3,000 से ज्यादा टैंक है, जिसमें 442 मेरकावा MK1, 455 मेरकावा MK2, 454 मेरकावा MK3, 175 मेरकावा MK4 और 206 सेंचुरियन मॉडल्स इंक्लूड होने वाले हैं। रिउटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास में लगभग 10,484 APCS है और 5,432 तोपे हैं, जिनमें से 620 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स और 456 टॉर्ड आर्टिलरी है। वहीं ईरान की बात कर लेते हैं तो ईरान के पास में 1,613 टैंक है, जिसमें से 100 टैंक जुल्फिकर द्वारा बनाया गया लोकल टैंक है, 100 बूढ़े हो चुके ब्रिटिश मेड टैंक है जिनका नाम शेफ्टन में एंड MK5 है। ईरान के पास में कुल 2,010 स्टोर्ड आर्टिलरी और 865 सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। ईरान के पास कुल 200 सेल्फ रॉकेट सिस्टम है, वहीं इसराइल के पास में 138 सेल्फ रॉकेट सिस्टम है। मोर्टार्स, एंटी टैंक वेपन्स, एंटी क्राफ्ट वेपन्स और लॉजिस्टिकल व्हीकल्स की बात करें तो ईरान के पास 500 मोर्टार्स हैं, तो वहीं इसराइल के पास 750। एंटी टैंक वेपन्स की बात करें तो ईरान के पास में 1400, वहीं इसराइल के पास में 900। एंटी क्राफ्ट वेपन्स की बात करें तो ईरान के पास में है 1701 और इसराइल के पास में है 200। लॉजिस्टिकल व्हीकल्स की बात करें तो ईरान के पास है 12,000 और इसराइल के पास है 7,684। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ईरान और इसराइल के एयरफोर्स के बारे में। दोस्तों, 1967 के वॉर में इसराइल एयरफोर्स के लिए लोगों के दिल में बहुत इज्जत बढ़ गई थी, लेकिन बाद के सालों में इसराइल के बहुत सारे सिविलियंस वेस्ट बैंक, गाजा और लेबनान में मारे गए, उसके बाद इनकी बहुत आलोचना हुई। वैसे इसराइल एयरफोर्स के पास में 460 कॉम्बैक्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट है, जिनमें 168 लड़ाकू विमान हैं, 27 बोइंग F-15A ईगल, 7 F-15B और 90 F-16A फाइटिंग फैल्कॉन्स हैं। वहीं ईरान के पास 336 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 189 लड़ाकू विमान जैसे 20 USA निर्मित F-5B जेट, 60 F-5E टाइगर और रूसी निर्मित 35 MiG-29A जेट शामिल हैं। अब अगर मिसाइल की बात कर लें तो ईरान के पास में शहाब 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसकी रेंज 1280 किलोमीटर है। मीडियम रेंज की मिसाइल की बात करें तो ईरान के पास में गदर 1 मिसाइल है, जिसकी रेंज 1600 किलोमीटर है। और लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात करें तो सज्जल 2 मिसाइल ईरान के पास है, जिसकी रेंज है 2400 किलोमीटर की। दोस्तों, इसराइल भी मिसाइल के मामले में पीछे नहीं है। इसराइल के पास में शॉर्ट रेंज में जेरिचो 1 मिसाइल है, जिसका रेंज है 1400 किलोमीटर। वहीं मीडियम रेंज मिसाइल में इसराइल के पास में जेरिचो 2 मिसाइल है, जिसका रेंज है 2800 किलोमीटर। वहीं लॉन्ग रेंज में जेरिचो 3 मिसाइल है, जिसका रेंज है 5000 किलोमीटर। अब दोस्तों, बात करते हैं दोनों देशों के नेवी पावर के बारे में। दोस्तों, ईरान के पास में टोटल 261 नेवी शिप्स हैं, वहीं इसराइल के पास में 64 नेवी शिप्स हैं। ईरान के पास में 74 मर्चेंट मरीन और वहीं इसराइल के पास में 10 मर्चेंट मरीन है। मेजर पोर्ट्स की बात करें तो 3 मेजर पोर्ट्स ईरान के पास, तो वहीं 4 मेजर पोर्ट्स इसराइल के पास हैं। 3 डिस्ट्रॉयर ईरान के पास हैं, तो 3 इसराइल के पास भी हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन हैं, तो वहीं इसराइल के पास में 3 सबमरीन हैं। ईरान के पास में 5 फ्रीगेट्स हैं, तो वहीं पे इसराइल के पास में 1 भी फ्रीगेट्स नहीं है। पेट्रोल क्राफ्ट की बात करें तो 198 पेट्रोल क्राफ्ट ईरान के पास है, तो 42 पेट्रोल क्राफ्ट इसराइल के पास है।
26 MPVS असॉल्ट ईरान के पास हैं, तो इसराइल के पास जीरो है। तो दोस्तों ये थी दोनों देशों की ताकत। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या इसराइल और ईरान के युद्ध शुरू होने से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है क्या। दोस्तों हमास के पक्ष में ईरान आ गया है, ऐसे में ये भी हो सकता है कि यूएसए इसराइल के पक्ष में आ जाए। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि यूएसए एक मुस्लिम विरोधी कंट्री है, ऐसे में हो सकता है कि यूएसए इसराइल के पक्ष में आ जाए। ऐसे में वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत तो आ सकती है। दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।